राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं कि अगर आप दौड़ के आ रहे हो घर पे और आपको थकान हो रही है, बहुत नींद आ रही है, तो उसके 5 तरीके जिससे आप इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हो। वैसे ये नॉर्मल है, ये सबके साथ ही होता है, तो छुटकारा पाने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इनसे थोड़ा सा मतलब ये कहें हमें आराम मिल सकता है। उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहां पे हम आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई कर पाते हैं। दूसरी चीज, वहां पे हम आपको कुछ मोटिवेशन भी दे पाते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो जब भी तुम दौड़ करके आए हो तो तुम्हारी मसल थक चुकी है, क्योंकि ग्लाइकोजन खाली हो चुका है आपकी बॉडी से, ग्लूकोज खत्म हो चुका है। ग्लाइकोजन मसल्स में भी होता है, लीवर में भी होता है, तो वो खाली हो चुका है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लगता है कि थकान है, बिल्कुल लेथार्जी फील करते हो। तो पहला काम क्या करना है तुम्हें, जो बॉडी को डिहाइड्रेट हो चुकी है उसको हाइड्रेट करना है। उसके लिए आपको 90 मिनट के अंदर, दौड़ खत्म होने के 1.5 घंटे के अंदर, आपको अपनी बॉडी में 1.5 से 2 लीटर पानी का इंटेक करना है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है आप कुछ अमाउंट आप उसमें गन्ने का जूस शामिल कर दो, नारियल पानी शामिल कर दो, या फिर आप अपना एनर्जॉल, ग्लूकोज, ग्लूकोंडी, जो भी आप पीना चाहो उसके तौर पे कर दो, लेकिन 1.5 से 2 लीटर का आपकी बॉडी में फ्लूड पहुंच जाना चाहिए विद इन 90 मिनट्स में। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है, जब भी आप घर आते हो, जब भी आपने वर्कआउट खत्म किया आप घर आते हो, हमेशा ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करो। आप 15 से 20 मिनट का रेस्ट लो जब भी आप आते हो ग्राउंड से, आपके पास ग्राउंड बगल में तो होगा नहीं, तो 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा। उसके बाद आप ठंडे शावर से नहाओ, उससे क्या होगा, मतलब ठंडे पानी से नहाओ, उससे क्या होगा, आपकी मसल्स में जो तनाव है, जो आपके मसल्स बहुत टेंस है, वो उनमें जो खिंचाव है वो थोड़ा सा सही होगा, आपकी मसल का जो सोरनेस है वो खत्म होगा और आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। कभी भी आपने देखा है जब भी आप थके हुए हो, आप जाके एक बार बढ़िया से ठंडे पानी से नहा लो, जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हो एक अलग फ्रेशनेस फील होती है। तो दूसरा काम हमें ये करना है कि एक ठंडे पानी से हमें नहाना है, ठीक है। तीसरी चीज, हमें फास्ट एक्टिंग कार्ब्स लेने हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी आप वर्कआउट करते हो, खत्म करते हो, उसकी बॉडी, आपकी बॉडी जो है वो शुगर की डिमांड करती है। अब वो शुगर आप किस फॉर्म में देते हो उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो हर फूड में ही शुगर है। तो आपको क्या करना है, फास्ट एक्टिंग कार्ब्स तुरंत लोड करने हैं जब भी आप अपनी रेस खत्म करते हो। अब फास्ट एक्टिंग कार्ब्स में क्या क्या हो सकते हैं, बिस्कुट इस्कुट और ये जो कोल्ड ड्रिंक, इनकी बात हम कतई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं आप फास्ट एक्टिंग कार्ब्स के तौर पे क्या कर सकते हो, 2 केले खा सकते हो तुरंत, बहुत जल्दी डाइजेस्ट करती है आपकी बॉडी। या फिर अगर हम फास्ट एक्टिंग कार्ब्स की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, या फिर आप बात करें कुछ भी ऐसी ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक्स आती हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आपकी बॉडी में जल्दी से डिजॉल्व हो जाए। या फिर आप एक डार्क चॉकलेट भी खा सकते हो, वो भी आपको तुरंत एनर्जी देते हैं। तीसरा काम आपने ये करना है। चौथी चीज जो आपको करनी है वो लेनी है पावर नैप। पावर नैप मोस्ट पावरफुल स्लीप पैटर्न बताया गया है। जब भी बाहर के देशों में गूगल में काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट में काम होता है, बड़े बड़े ऑफिस में जो काम होता है, वहां पे प्रॉपर एक अलग से रूम बनाए गए हैं पावर नैप के लिए। दोपहर में वो लोग पावर नैप लेते हैं, जिससे कि उनकी काम करने की क्षमता डबल हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी रेस खत्म करके घर पे आ रहे हो, 20 से 25 मिनट का पावर नैप आपको लेना है। चाहे आपको किसी भी काम पे निकलना हो, कुछ भी करना हो, 20 से 25 मिनट की नींद आप जरूर लोगे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर 25 मिनट से ऊपर हो जाती तो ये पावर नैप नहीं रहती है, ये प्रॉपर आपकी स्लीप में कन्वर्ट हो जाती है। 30 मिनट के अगर ऊपर कर ली और 30 मिनट के ऊपर अगर स्लीप कर रहे हो, मतलब सो रहे हो, उसके बाद 20 में उठते हो, तो फिर आपकी नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर आप 20 से 25 मिनट सो रहे हो तो आपकी रात की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आप आराम से दिन में भी सो लोगे, ठीक है। तो चौथा काम आपको ये करना है कि एक पावर नैप लेना है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं। पांचवी चीज, इसका साइंस से कोई भी रिलेशन है नहीं, पांचवी चीज का, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा 5 से 10%, बाकी इसका साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है, ये हम पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आप फ्रेश हो लिए, सब कुछ आपने कर लिया, सारी चीजें हो गई, आप सुबह रनिंग करके जब घर आते हो, एक कप चाय या कॉफी, देखो चाय या कॉफी जब आपकी बॉडी में कैफीन जाता है तो आपको क्विक एक बूस्ट मिलता है। तो आप क्या करो, कॉफी लीवर के लिए, हार्ट के लिए आपके बहुत हेल्दी मानी गई है, तो दौड़ के जब भी आते हो तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपनी मम्मी से बोलो या खुद बना के एक कप चाय या कॉफी पी लो, वो आपको एक इंस्टेंट बूस्ट देगा। यहाँ पे भी आपकी बॉडी में तो बूस्ट मिल ही रहा है, लेकिन आपका माइंड भी अलर्ट करेगा। तो ये 5 चीजें फॉलो करो और कमेंट करके जरूर बताना। अब 100 वीडियोस का सिलसिला नहीं रुकेगा, बहुत बेहतरीन वीडियो की लाइनअप है यहाँ पे। आपको जो भी डाउट हो, किसी और वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।